आज की यह नशिस्त जैसे कि आपकी इल्म है, इल्म है से रोज़ा दावत ये मारूफ अखबार है, दावत ट्रस्ट इसको चलाता है, तो दावत ट्रस्ट की जानिब से ये नशिस्त बुलाई गई है। ये खुशी का मौका है हमारे लिए कि हमारी एक देरीना ख्वाहिश की तकमील हो रही है। दावत आप जानते हैं कि प्रिंट मीडिया में प्रिंट की शक्ल में आता रहा, लेकिन इसको ऑनलाइन लाने की ख्वाहिश थी और आज वो ख्वाहिश पूरी हो रही है। इस पर हम अल्लाह ताला का शुक्र गुजारते हैं। इस मौके पर हमने आपको ज़हमत दी और आपने यहाँ तक तशरीफ़ ला कर हमारी हिम्मत अफजाई की। हमारी दावत ट्रस्ट की जानिब से आप तमाम का दिली खैर मुकदम करता हूँ। खुसूसन आज की इस नशिस्त के मेहमान खुसूसी जनाब शेख मंजूर अहमद साहब, जो एडिटर हैं UNI उर्दू न्यूज़ सर्विस के, आपका खैर मुकदम करता हूँ। साथ ही साथ मोहतरम मौलाना से जलालुद्दीन उमरी साहब, मोहतरम नुसरत अली साहब और दूसरे तमाम बुजुर्गों का भी फिर एक मरतबा खैर मकदम करता हूँ। कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं मोहतरम मौलाना से गुजारिश करने से पहले एक बात याद कर देना चाहता हूँ कि ये वेबसाइट जिसका इफ्तिताह इंशाल्लाह अब होगा, मोहतरम मौलाना फरमाएंगे, ये वेबसाइट हमारे एक दोस्त ने इसको डिज़ाइन किया है और बनाया है। इस मौके पर उनकी याद का शिद्दत से आना एक फितरी चीज़ है। ये एक जवान साल हमारे दोस्त हैं मोहम्मद इरफान साहब, जिनका ताल्लुक कर्नाटका स्टेट से है, वहाँ के शहर कोलार से, और आजकल वो जिद्दा में क़याम पज़ीर हैं। इनकी ख्वाहिश थी और ये कोशिश करते रहे और उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है और उन्हीं की मेहनत का नतीजा इस वेबसाइट की शक्ल में हमारे सामने है। इनका मुख्तसर सा तारुफ भी मैं आपकी खिदमत में पेश करके इनके लिए दुआ की गुजारिश कर रहा हूँ। ये हासन में एक स्कूल है इस्लामी अरबिक कॉलेज मंसूरा के नाम से, यहाँ ये तालीम हासिल करते रहे लेकिन वहाँ मुकम्मल कर ना सके। उसके बाद में SIO के एसोसिएट BA रहे, फिर बेंगलुरु में मीन टाइम आफिल में होगा कि मीन टाइम अंग्रेजी ज़बान में आता था तो उसमें ये सर्विस करते रहे, और इसके बाद ये जिद्दा चला गए और वहीं सर्विस में हैं और वहीं से उन्होंने इस वेबसाइट को बनाया है और उसको डिज़ाइन किया है। दुआ है कि अल्लाह ताला मौसूफ की कोशिशों को शर्फ कबूलियत बख्शे और फिर उन्हीं जजाए खैर। अब मैं मोहतरम मौलाना से गुजारिश करता हूँ कि इस वेबसाइट का इजरा करें।
इस तरह के मुख्तलिफ पेजेस इसमें देखे जा सकते हैं और मुताला आसानी किया जा सकता है, और इस पर किसी को आज इधर ख्याल करने की शायद ही जरूरत हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेबसाइट्स वगैरह की क्या अहमियत है आज की रोजमर्रा की जिंदगी में। ये पूरे 8 पेजेस हैं जिनके नंबर वहां दिए गए, और उसको क्लिक करें तो पेज खुल जाता। ये हमारे बुजुर्ग हजरत अबुल मुजाहिद जाहिद साहब की रहलत के बाद ये तलाक चरणम सुभानी साहब समझ में। शहजादा दावत, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जहां दीनी मौजूदात पर कलम उठाता है, वहीं बर्निंग टॉपिक्स और रोजमर्रा के जो इश्यूज हैं उन पर भी इजहार ख्याल इसमें किया जाता है, और ये भी कि जो मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं इस्लाम और मिल्लत इस्लामिया के लिए और मिल्लत इस्लामिया के लिए, इन तमाम के ताल्लुक से गुफ्तगू करते हुए कुरान और सीरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ये बहरहाल आज के इन चैलेंजेस का जवाब देता है। ये सहरा हम में से अक्सर इससे वाकिफ हैं कि मुख्तलिफ मराहिल से ये गुजरता रहा, और बहुत ही बाफार अहम शख्सियतें इससे जुड़ी रहीं अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ को उन्होंने इसके लिए पूरी तरह से लगा दिया। तो इस मौके पर ये मुनासिब मालूम हुआ कि इसकी ये मुख्तसर सी तारीफ़ें हैं कि उसने इस तकरीब को बहुसन खूबी इख्तिताम तक पहुँचाने में नुसरत फरमाई। अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाने के बाद मैं हमारे जिम्मेदारान जिन्होंने अपने वक्त को फारिग किया उनका शुक्रिया बजा लाता हूँ। दावत ट्रस्ट की जानिब से खुसूसियत के साथ हमारे मेहमान खुसूसी जनाब मंजूर अहमद साहब, आपके बाज़ाबाकील में होगा कि हम 21 मार्च को ये प्रोग्राम करना चाह रहे थे और इसकी तैयारियां भी तकरीबन हो चुकी थी और मौसूफ ने उस वक्त भी दिया था, लेकिन बाज़ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर खुसूसियत के साथ जमात के जिम्मेदारों का मुस्तकर पर ना होना इस वजह से इसको मुलतवी करना पड़ा। इसके बावजूद मोहतरम मंजूर साहब ने इस दुश्वारी को बर्दाश्त किया और बखुशी आज तशरीफ़ लाने का वादा फरमाया और यहाँ तशरीफ़ लाए और अपने ख्याल का इजहार भी फरमाया। मैं आपका शुक्रिया बजा लाता हूँ जमात दावत ट्रस्ट की जानिब से। इसके साथ ही साथ जमात इस्लामी हिंद के अमीर मोहतरम मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी साहब, खैम जमात इस्लामी हिंद मोहतरम नुसरत अली साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद मोहतरम मोहम्मद जाफर साहब जो सामईन में तशरीफ़ फरमाए, इन जिम्मेदारों का भी खुसूसी शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। और इनके साथ मैं तमाम उन कारकुनों का जिन्होंने तआवुन फरमाया हर तरह से, जमात के कारकुन, दावत ट्रस्ट के कारकुन, और यहाँ पर खुसूसियत के साथ यह सही हो कि अपने रफीकों का और हुसन ब्रदर रिजवान और ब्रदर नज़ीर साहब का, इन तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर हमारी दावत पर मीडिया और प्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे करम फरमा यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी
मैं दावत ट्रस्ट की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जाहिर बात है कि इस तकरीब की रौनक आप ही हैं, अगर आप तशरीफ़ ना लाते तो ये तकरीब इस तरह से मुनफिद हो ना पाती, इसलिए आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ किसी और से कम है नहीं। आपने अपने कीमती वक्त को फारिग फरमाया, हमारी दावत पर लबैक कहा, यहाँ तक आने की जहमत दोबारा फरमाई, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम को जज़ाए खैर